हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ दिस वर्क। यू हैव टू फिल इज एम और आर इन दीज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, यू हैव टू फिल इज एम और आर। ओके, ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। फर्स्ट वन इज आई डैश वेरी हैप्पी। आई एम क्या जाएगा? आई के साथ क्या यूज़ करते हैं हम? एम। सो आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट इज दाना। दाना डैश और टॉल गर्ल। दाना एक गर्ल है तो दाना के साथ क्या लग जाएगा? इज। दाना इज अ टॉल गर्ल। ओके, नेक्स्ट वन इज द डॉग्स। द डॉग्स डैश ब्राउन। इसमें क्या आ जाएगा? द डॉग्स आर ब्राउन। टॉम एंड माइक डैश फ्रेंड्स। टॉम एंड माइक ये दो हो गए ना, टॉम एंड माइक, तो ये प्लूरल हो गया तो क्या लग जाएगा? आर। टॉम एंड माइक आर फ्रेंड्स। माई मदर डैश आर टीचर। माई मदर इज अ टीचर। द हाउसेज, हाउसेज लिखा है मोर देन वन, एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? द हाउसेज आर ओल्ड। नेक्स्ट वन इज द गर्ल्स। गर्ल्स हैं, ज़्यादा हैं ये भी, तो क्या हो जाएगा? द गर्ल्स आर नॉट हंग्री। लायंस डैश बिग एनिमल्स। लायंस आर। द डॉक्टर डैश इन द हॉस्पिटल। द डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट वन इज आई डैश सैड टुडे। आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम सैड टुडे। सो स्टूडेंट, आई हैव टोल्ड यू अबाउट 10 sentences। आपको 10 sentences में मैंने बता दिया है इज एम आर आप कहाँ लगाएंगे। बाकी के जो ये 9 sentences हैं आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी को नहीं आएगा तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं कि इसमें क्या आएगा। बाकी वैसे तो आपको बहुत बार बताया जा चुका है इज एम आर का यूज़। इज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट, एनी नेम, हाँ, और कोई भी जो प्लूर सिंगुलर चीज़ है, यानी एक चीज़ है, हम उसके साथ क्या लगाते हैं? इज़। और एम तो बिल्कुल सिंपल है, एम जो है वो ओनली आई के साथ यूज़ होता है। ओके, और आर किसके साथ यूज़ होता है? दे, देम, दे, वी, यू, हाँ, जहाँ पर प्लूरल की बात होती है मोर देन वन, तो उनके साथ क्या यूज़ होता है? आर। यानी प्लूरल चीज़ें जब होंगी तब हम प्लूरल, प्लूरल मत, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, हाँ, तब हम क्या यूज़ करते हैं? आर का यूज़ करेंगे। ओके, सो टुडे यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस वर्क।